कल तक बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक खबर गूंज रही थी कि आरएलजीपी के सांसद टूटने वाले हैं, यानी आरएलजीपी के सांसद टूट के जेडीयू में जाने वाले हैं। मगर आज और अभी आरएलजीपी के द्वारा पीसी किया गया, जिसमें आरएलजीपी के तमाम सांसद मौजूद थे। सुनिए पहले सांसद प्रिंस राज क्या कुछ बोल रहे हैं। आज इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जिस तरीके का एक भ्रम, एक झूठ, एक जो कल से एक न्यूज चैनल्स पे चल रहा है, न्यूज पोर्टल्स पे चल रहा है, उसको खारिज करना बहुत ही जरूरी आवश्यक है। इसकी वजह से आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं, आज आप सबों के समक्ष इस सभागार में उपस्थित है हमारे वैशाली के सांसद, हमारे संसदीय बोर्ड की चेयरमैन आदरणीय माननीय वीना जी यहाँ उपस्थित है, हम लोगों के नवादा से सांसद हमारे बड़े भाई जी यहाँ से यहाँ उपस्थित है, हम यहाँ पर हैं, हमारे अगर से साहब भूषण जी यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पे हमारे सुनील सिन्हा जी उपस्थित है, हमारे महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, हमारे उपाध्यक्ष संजीव जी हैं यहाँ पर, युवा के अध्यक्ष उपस्थित, सभी तमाम। और अभी अभी अपने 5 मिनट पहले केसर साहब आए थे, जो कि खगड़िया से सांसद हैं, उनसे भी आपने रूबरू हुए, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन इन सब अफवाह पे पूर्ण विराम लगाने के लिए वो आए, और आके उन्होंने आप लोगों को अपना वक्तव्य दिया कि भाई क्या बात है, नहीं है उनका आज उनका कल रात में ही कोरोना का जांच हुआ है, और उन्होंने कहा कि सर हमें छोड़ दीजिए क्योंकि हमें बहुत ही ज्यादा बीमार है वो, तो उनको हमने छोड़ दिया। लेकिन वो यहाँ कार्यालय आए और कार्यालय आके आप लोगों को संबोधन किया, उन्होंने बताया कि वो सब साथ में है। देखिये ये इस तरह की अफवाह जो उठी है कल और जिस तरीके से न्यूज में चला, एक कहां से ये आया नहीं आया ये भगवान जाने, कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा हमें स्पष्टीकरण यहां देने की हमें कोई जरूरत नहीं है। जब हमें इस बात का संज्ञान हुआ कि भाई जिस तरीके की चीजें न्यूज पोर्टल पे चलवाई जा रही हैं किसी के माध्यम से, जब इस बात की जानकारी हुई तो हमने कहा भाई हमें अपने सांसदों को फोन करने की जरूरत नहीं है, हमें उनपे पूरा विश्वास है, वो जिस विश्वास के साथ हमारे साथ है उसी विश्वास के साथ हम उनके साथ हैं, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। खैर बाकी चीजें तो आपको माननीय सांसद आप लोग पूछेंगे तो वो अपना वचन आप लोगों के सामने रखेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये तिरंगा के नाम पर जो न्यूज वाले घर पे आके न्यूज लेते हैं और उसके बाद ये न्यूज एक प्रोपेगेंडा तैयार करना, और किस तरीके से ये बोलना कि इसी न्यूज को चलाओ, सूत्र के हवाले से हमें खबर मिली कि ये जिनके द्वारा ये रचा गया, ये स्क्रिप्ट रचा गया, बहुत ही शर्मनाक है। आप लोग कहाँ है नहीं है आप लोगों का पता नहीं है भाई, हम लोग जहाँ है जहाँ थे जहाँ है वहां रहेंगे और मजबूती के साथ रहेंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है। हमें हमारे सभी सांसदगण, हम सबों की बैठक हुई, हम लोगों ने बात किया और हम सबका एक मत हुआ कि भाई हमारे आस्था हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी में है, उनकी आस्था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी में है, और हम सभी उन्हीं के साथ हैं, उनके हाथ को मजबूत करेंगे और उनके साथ कदम से कदम बढ़ा के चलेंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है। बाकी लोग वो क्या कर रहे हैं, वो किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है, ये उनकी समस्या है, वो अपनी समस्या किसी और पे ना थोपे, ये हम कहना चाहेंगे। उनके लोग, एक और बात मैं आपको बता दें, ये जो प्रकरण हुआ, ये जो घटना घटी, इसके पीछे क्या वजह थी, इसके पीछे वजह ये थी कि वो जो दूसरा गुट है उनके कई प्रदेश के पदाधिकारी हमारे सीधे संपर्क थे। इस बात की जब जानकारी उन्हें हुई, आनंद आनंद में उन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र रचा और इस तरीके का भ्रम फैलाया। हम ये जानना चाहेंगे कि भाई आप पहले जवाब दीजिए, जब उन्होंने ये कहा कि ना हम इस गठबंधन के हिस्सा है ना उस गठबंधन के हिस्सा है, हम अकेले हैं, तो उनके साथी जो उनके दल के पदाधिकारी हैं वो असहज महसूस करने लग गए और उन्होंने दूसरे दलों को संपर्क करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने हमें भी संपर्क किया, और ये हम बता दें बहुत जल्द वो जो गुट है वो गुट अब खत्म होने वाला है, सब लोग इधर उधर जाने वाले हैं, बहुत ही जो अहम उनके जो पदाधिकारी हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, आपको जल्दी आप लोगों को समाचार मिलेगा। इसी वजह से ये चीज ना हो, ये चीज को ध्यान किसी की तरफ ना जाए, किसी का इस तरफ ध्यान ना आए, तो इस तरीके का प्रकरण किया गया, और ये जो दो तीन इनके जो
जो है आदमी उनको भेज के इस तरीके की अफवाहें उड़ाएगी। लेकिन जैसे ही ये अफवाह उड़ी, वैसे ही हमारे माननीय जो सांसद वैशाली की सांसद रीना जी हैं, इन्होंने खारिज किया इसको। कल इनका पूरा चला स्टेटमेंट, हमारे युवा सांसद चंदन जी हैं, इन्होंने खारिज किया इस बात को। हमारे केसर साहब, उन्होंने खारिज किया, वरिष्ठ सांसद हैं, हमने खारिज किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खारिज किया। जब सभी सांसदों ने मिलकर जब इस बात को खारिज कर दिया तो इस बात में कोई दम बचता ही नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरीके की इसको हवा दी गई। हमने पहले कहा उन लोगों का एक तरीका होता है कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये करिए वो करिए, लोगों को भ्रम में रखिए, झूठ बोलिए, इसको फैला के रखिए, इसको फुसला के रखिए। जनता समझ गई है, गठबंधन दल के सभी साथियों को पता है कि कौन आदमी किस तरीके से है। हम लोग ईमानदार साथी हैं, एनडीए गठबंधन के हम लोग साथी हैं, और बिहार के एनडीए में हम लोग भाजपा के साथ हैं, और साथ के साथ हैं, और मजबूती के साथ साथ रहेंगे। अब आगे आप लोग कुछ पूछना है हमारे साथ, पूछना है या एक एक करके हम बुलवा लें जैसा आपने कहा कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या लगता है कि फिर से एक बार जो दो गुट आप लोग हुए हैं उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा, कौन कर रहा है ये प्रयास? हमने जैसा बताया कोई प्रयास तोड़ने का नहीं कर रहा है। हम लोगों का जो राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी है वो इंटैक्ट है, सिर्फ इंटैक्ट दम से नहीं, बल से नहीं, सोच से भी है। हम लोग की आइडियोलॉजी एक है, हम लोग की सोच एक है, हम लोग मान सम्मान एक दूसरे को देते हैं, मान सम्मान के साथ पार्टी चलती है, एक दूसरे का ख्याल हम लोग रखते हैं। जो दूसरा गुट है उसका हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई तोड़ नहीं रहा है, वो खुद टूट रहा है। उनके पदाधिकारी हमारे संपर्क में है, और जिन पदाधिकारियों से हमने संपर्क बनाने की कोशिश किया वो ऑलरेडी किसी दूसरे पार्टी के संपर्क में है। इस बात को आप जान लीजिए, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने प्रमाण रहेगा। चंदन जी, आप लोग बीजेपी के साथ हैं, प्रिंस राज जी कह रहे हैं कि आप बीजेपी के हिस्सा हैं और साथ में हैं, तो क्या बीजेपी जो कर रही है कि पूरा जंगल राज आ गया इस बात को मानते हैं, और नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी जो बयान कर रही है देखो मानते हैं 2004 से, 2004 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। बिहार 2004 से पहले जो बिहार था, ना सड़क था, ना बिजली था, ना पानी था, ये आप लोग से भी छुपा हुआ नहीं है, बच्चे बच्चों से छुपा हुआ नहीं है। तो उससे पहले जो 15 साल बिहार में सरकार चलाए थे, तो आप उसी के साथ जा रहे लेकिन ये वापस वहां जाने का इनका जो निर्णय हुआ वो क्या जनता के हित में निर्णय लिया गया, क्या वो बिहार के हित में निर्णय लिया गया? एक बिहार कई दशकों से एक वंचित रहा है, केंद्र में और राज्य में सरकार अलग अलग होने की वजह से विकास का कार्य नहीं हुआ। जब ये कई दशकों बाद ऐसा मौका मिला, उसके बाद 2020 में जनता ने अपना मैंडेट एनडीए को दिया, जिसमें नीतीश कुमार जी हम लोग थे, ये नीतीश कुमार जी थे, भाजपा थी, हम थी, उनको दिया। उसके बावजूद भी इनको मैंडेट को नकार करके ये वापस उस दल में गए, उस अलायंस में गए, जिस अलायंस को उन्होंने ये कह के लात मार दिया था कि भाई ये करप्ट अलायंस है, ये भ्रष्टाचारी अलायंस है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, मान सम्मान नहीं है। लेकिन वापस गया तो हम ये जानना चाहते हैं क्या इस अलायंस से बिहार और बिहार की जनता को कोई फायदा है? आप देखिए, अगर तोड़ना चाहती तो मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाते। हमने कहा मान सम्मान, मान सम्मान भाजपा देना चाहती है और देती है। जब चुनाव मैदान में उतरे तो उन्होंने कहा जो भी परिणाम होगा हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी होंगे, और उन्होंने अपने वादे को निभाया। अगर उन्हें तोड़ना होता या उन्हें कुछ करना होता तो इससे अच्छा मौका क्या था उनके पास? भाजपा ने जब लोकसभा के जब चुनाव हुए तो भाजपा की सीटें ज्यादा थी, उन्होंने अपनी सीटें कम की क्योंकि गठबंधन में आ गए थे। जेडीयू वापस एनडीए में आया तो उनको अपनी सीटें उन्होंने अपनी कम करके जेडीयू को एडजस्ट किया, हमें एडजस्ट किया। तो आप ये कहना कि भाई वो तोड़ना चाहती थी, हमें लगता है ये बेबुनियाद है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें आपको लगता नहीं है कि बीजेपी अब अकेली पड़ गई है? बीजेपी अकेली नहीं है, देखिए बीजेपी अकेली नहीं है, बीजेपी के साथ राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी है,
बीजेपी के साथ एनडीए के साथ पूरी हिंदुस्तान की जनता है, ये 2024 कोई वैकेंसी नहीं है किसी प्रधानमंत्री जी के लिए, सिर्फ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। इस देश को अभी ऐसे प्रधानमंत्री की सख्त आवश्यकता है, ऐसे प्रधानमंत्री अभी कई दशकों के बाद हिंदुस्तान को मिला है, और ये चीज पब्लिक भी जानती है, हिंदुस्तान की आवाम भी जानती है। प्रिंस जी, एक सवाल है, एक सवाल यह है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो मिट्टी को खोज रहे हैं, जहाँ हमेशा कहते थे नीतीश जी मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा में नहीं जाएंगे, और तीन बार भाजपा में चले गए और फिर महागठबंधन है, तो भाजपा मिट्टी खोज रही है, क्या आपकी भी पार्टी वो मिट्टी खोज रही है कि कहाँ? ये तो कौन इधर बार बार जाता है, कौन उधर बार बार जाता है, ये तो क्रेडिबिलिटी पे बात आ जाती है। वो कितने बार उन्होंने किनको मुख्यमंत्री बनाया, 7-8 महीने बाद खुद मुख्यमंत्री बन गए, फिर किनको उन्होंने दूसरे दल में गए, अलायंस में गए, फिर वापस आ गए, फिर वोट लिया इस अलायंस में, फिर जाके उस अलायंस में चले गए, तो क्रेडिबिलिटी उनकी कम हुई है। ये उनको सोचना चाहिए कि भाई ये आप जो दल बदल कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो इसमें आपका हित है कि बिहार की जनता का हित है, ये आपको बताना है, इसमें बिहार की जनता का हित अगर दिखे तो बताएं। नीतीश कुमार पलटू राम है, मैं पुलिस राज से पूछ रहा हूँ, आप हमें बताइए ये जो उन्होंने ये जो किया है बार बार इधर से आना उधर जाना, ये क्या संकेत करता है? क्या तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार दे पाएंगे? इस तरह से खबरें उठी थी कि आपके पार्टी में टूट गए, क्या माना जाए कि अंदरूनी कुछ चल रहा है, क्योंकि सुल्तान सिंह का नाम आ रहा है इसमें, सुल्तान सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है और इसकी देखिए यही होता है आजकल मन गरम कहानियाँ आपने आप सुबह उठे आज हमने ये कहानी बना दी सोने जा रहे तो ये कहानी बना दी बिग बॉस बना के रखी आप लोगों ने। कल आदरणीय सूरज भान जी वो खुद वहाँ उपस्थित थे दिल्ली के कार्यालय पे, हम थे वहाँ पे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने सीधे से खारिज किया इस बात को। हमारे गार्जियन है वो इतने लंबे समय से हमारे पिताजी के साथ, बड़े पापा के साथ, हमारे मछले पापा जी के साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रहे हैं, उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही, उन्होंने कल बयान दिया और आज आप ये कह रहे हैं ये बात है, तो समझ ही नहीं आता कि आप कौन सा न्यूज पोर्टल देखते हैं। नहीं नहीं, सवाल ये है कि आखिर क्यों सवाल आपकी पार्टी से क्यों उठती, किसी ने नहीं उठाया, ये आप उठा रहे हैं, आप पहली बार आप सुन रहे हैं, ये तो अचंभे वाली बात है कि ये क्या स्क्रिप्ट बना के आप आए हैं, ये स्क्रिप्ट बना रहे हैं 2-3 दिन से, ये क्या है नहीं है, ये तो अभी जो बोल रहे हैं सब ना अपना मुँह है कुछ। 2024 को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि 20 मार्च को आगे किया जाएगा प्रधानमंत्री नेपाल के लिए, एक 1,100 बीमार वाला हिसाब किताब है, सपना देखना सबको हक है, आजाद हिंद है, सब इसमें सपना देख सकते हैं, सबको राइट है, सब महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, जो बनना है जिसको जो बनना है करिए, लेकिन विपक्ष में 1,100 बीमार वाला हिसाब किताब है, हम लोग उनकी बात नहीं करेंगे, हम लोग अपनी बात करेंगे, हम लोग एक है और हम लोग ने अपने लीडर को माना है नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी को लीडर माना है और उनके नेतृत्व में 2024 चुनाव होगा, वो पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी जो सरकार बनी है आपको लग रहा है कि इस साल भर तक भी चल पाएगी? कहीं नहीं चलेगी ये सरकार, एक मैदान में 3 तलवार, या तो 3 नहीं तो 7 तलवार है, कहीं चलने वाली नहीं है, देखिएगा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, 2-3 महीने बाद ही आपको खबर मिलने शुरू हो जाएगी। कांग्रेस का जो ये है कि प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को 2024 में किया जा सकता है, क्या इसको आप मानते हैं? डिक्लेयर कर दे, आप किस चीज का दे रही है, डिक्लेयर कर दे। तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार दे पाएंगे? तेजस्वी यादव 10, अब ये तो देखने वाली बात होगी, उन्होंने वादा किया था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में वो 10 लाख नौकरी देंगे, तो हम लोग और युवा बिहार की युवा इंतजार कर रही है कि वो 10 लाख नौकरी दे, वहाँ से ना पड़े। बीजेपी ने भी बोला था कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, पर 2.5 साल वो सत्ता में रह के 19 लाख अभी सत्ता पूरा कौन देते हैं? अब इनसे हमारे संसदीय बोर्ड के चेयरमैन है वैशाली की सांसद आदरणीय वीना जी है, अगर इनसे कुछ आना चाहे पूछना चाहे थोड़ा साइड और क्या ये साजिश रची गई है, साजिश रचा जा रहा है, ये तो मुझे पता नहीं है, आपके मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता चला कि हम लोग के खिलाफ भी मीडिया में आ रहा है कि हम लोग पार्टी तोड़ के जा रहे हैं, कोई संपर्क में ऐसा कोई हम लोग के पास संपर्क नहीं है, पार्टी क्या तोड़ेंगे, हम लोग अपना आस्था रखते हैं,
हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहाँ मंत्री हैं पारस जी पर, पारस जी हम लोग सब मिल के हम लोग NDA में हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हम क्यों इधर उधर भटकेंगे। लोग साजिश के तहत अब हमारी पार्टी छुट्टी है, इसलिए साजिश के तहत हम लोग का मान लेंगे, समझ रहा है कि ये लोग हट जाएंगे। कौन रच रहा साजिश? जो एक कर रहे हैं बहुत बड़ा भूल कर रहा है, वो कहीं जाना है, लेकिन नाम पे आउट होगा बहुत जल्द होगा। जो कर रहा है उनके कई पदाधिकारी हमारे संपर्क देखिए, हम लोग भाजपा के एक जेंटलमैन अलायंस है, महावीर भगवान जी, हनुमान जी का नाम इस तरीके से हरि के संबंध दिया गया, भगवान है, हर कोई अपने आप को भगवान कहता है, हर कोई अपने आप को शेर कहता है, भाई आप इंसान बनिए, ये सब बनने की जरूरत नहीं है, आप हनुमान बने और भाई अयोध्या में ही आप आग लगा दिए, ये कहां के आप हनुमान बने, आप इतने बड़े मंत्री काशी कैसे होने लग गए, क्या भाई आप कह रहे हैं आपको मंत्री नहीं बनना, बिल्कुल सही बात है, उनको मंत्री नहीं बनना, उनको मुख्य लगाना है। आप कहते हैं कि भाई हमारे हम संघर्ष के रास्ते पे, आप क्या संघर्ष के रास्ते पे निकले मुख्यमंत्री बनने के लिए, फिर आपका एजेंडा होता है कि भाई अगले 10 साल में हम भाजपा को खत्म कर देंगे, पहले हम मुख्यमंत्री बन जाए 10 साल तक, हम ये हमारा एजेंडा है, ये एजेंडा लेके वो चलते हैं। तो आप ही बता दें भाई, हम कुछ नहीं है, हम एक ईमानदार अलायंस है, हम उनको मान सम्मान देते हैं जो हमें मान सम्मान देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। हम लोग NDA गठक दल के एक ईमानदार साथी हैं, 2014 में हम लोगों का गठबंधन हुआ था, हमारे आदरणीय हमारे भगवान। तो आपने देखा प्रिंस राज ने किस तरह से अपने विरोधियों को जवाब दिया, उन्होंने साफ तौर पे बोला है कुछ लोग हैं जो हमारी पार्टी में फूट डालना चाहते हैं, इन्होंने इशारा किया है चिराग पासवान की तरफ, मगर उन्होंने बोला खुद वह अपना घर संभाले, चिराग के कुछ नेता जो कि हमारे संपर्क में भी है, वह नेता कुछ दूसरे पार्टी के भी संपर्क में है, उन्होंने साफ तौर पर बोला ऐसा लग रहा है जैसे चिराग के घर में खुद अंधेरा छाने वाला है और वह खुद दूसरे के घर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं चिराग पे हमला किया। मगर जिस तरह से कल रूमर फैल रहा था कि RLGP टूट की कगार पर है, ऐसा कुछ नहीं है, आज RLGP के 5 सांसदों की परेड करा दी गई है। आप लोग कमेंट कर जरूर इस पर राय दें कि जिस तरह से कल रूमर फैल रहा था कि RLGP में टूट होगा, क्या वो सही है या गलत है।